केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज अकोला में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बन रहे अमृत सरोवर से पश्चिम विदर्भ में जहां किसान आत्महत्या करते हैं वहां पानी पैदा होगा और यहां के किसान समृद्ध होंगे। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ PKV और महाराष्ट्र पशु विज्ञान और मत्स्य विश्वविद्यालय मापसू परिसर व ठाकरे हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस मौके पर राज्य के कृषि मंत्री दादाजी भुसे, डॉक्टर पंजाबराव कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विलास भाले, मापसू के कुलपति डॉक्टर आशीष पलांदुरकर मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अकोला जिले में कृषि विद्यापीठ के परिसर में 34 झीलों का निर्माण करेगा, जिनमें से 20 अमृत सरोवर का आज उद्घाटन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों के निर्माण के लिए खेत की गहराई से मिट्टी और गाद का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से इस क्षेत्र के 10-12 गांवों की पानी की समस्या दूर हो गई है और अब किसान नींबू की खेती भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से बड़ी झीलों और बांधों के निर्माण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। गडकरी ने विचार व्यक्त किया कि विदर्भ वास्तव में समृद्ध होगा। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।